हेलो गाइस, तो क्या हेलो हाल चाल है आप मरिया, सभी लोगों का। आई होप कि आप होला सब लोग बढ़िया होंगे। सुप्रेमो स्वागत है आपका स्पेगेटी फार कराई के बोलियोगर तीसरे एपिसोड और अ में। ग्रेट सैंडविच। आई आर यू होप कि जस्ट आपको हंग्री ये सीरीज नाउ? बढ़िया आई लग रही वाज होगी। वेल, आई और थिंक भाई, यू मुझे तो अबाउट खेलने में बहुत गेट ज़्यादा टू द मज़ा आ रहा वर्कबेंच है। एंड आई विल शो यू। एक तो ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और भाई गेम पर पता चल रहा है कि अच्छे से सुप्रेमोस काम आरंट किया जस्ट है। सिंपल टूल्स। लेट्स टेक अ लुक अबाउट आज सुप्रेमो हम जल्दी द से स्पेशल चलते हैं। बस इंग्रेडिएंट ये दैट एक मेक्स बार दिस ये थोड़ा ऑल सा बंदा हैपन। हमें पिक बता अ दे सर गैजेट कुछ, डैनी, उसके दिस बाद इज अ आज हम सेफ जल्दी से स्पेस, चल रहे हैं। आज देयर हम इज नो बहुत प्रॉब्लम बढ़िया आंसर मिशन पर हियर। जा रहे हैं, तो ये सब खत्म करते हैं जल्दी से और उसके बाद सीधे पहुंचते हैं जिससे हमने मिशन लेना है। तो ठीक है यार, ये खड़े उस बुड्ढे से तो पीछा छुड़वा लिया, अभी जल्दी से चलते हैं। हमने आज यार बहुत ज़्यादा तगड़े मिशन पर जाना, और ये मैं कहाँ पर फंस गया, ये क्या रहा है, ये सब मालूम है भाई। गेम के मैंने कंट्रोल्स पढ़े हैं, बट क्या करें, ये देखना पड़ता है सारा कुछ। तो अभी जल्दी से Danny हम and Julia जा are रहे behind you. Got a हैं job for you. मिलने क्लारा से। पहले ये स्क्रैप वगैरह उठा लेते हैं, ये हमारे काम ही आएगा, वो फुल कर Julia is लेते not हैं। going to like this. तो क्लारा This से will अभी work जल्दी as से long as बात you do. करते हैं और इससे पूछते हैं कि I हमने don't क्या need to करना है। tell you. फायर एंड Hit फ्यूरी। that slave ओके, camp तो hard. अभी मेरी क्लारा Swiftly. के साथ बात हो चुकी है और वो बोल रही है कि हमें No more जाकर talk, कोई Danny. जूलियो नाम का बंदा है उससे मिलना है। और हमने आज जो यहाँ का प्रेसिडेंट और वो जो टोबैको के क्रॉप्स उगाता है, हमने वो क्रॉप्स को आग लगानी है। अभी जल्दी से अपने घोड़े के पास चलते हैं और उस पर बैठकर चलते हैं जूलियो से मिलने। ओके, तो ये रहे हमारे दोनों घोड़े खड़े, इस पर बैठकर चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सहलाव वगैरह लेते हैं गुड ताकि हमें हॉर्स। रास्ते में गिराए नहीं और अच्छे से काम करे। और भाई लास्ट एपिसोड जिन्होंने देखा था उनको तो मालूम होगा कि हमें घोड़ा चलाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लास्ट एपिसोड में। आई होप कि हमें इस बार ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ओके तो मैंने वो वे पॉइंट, तो क्योंकि ये गेम थोड़ी सी उन्होंने प्रिमिटिव दिखाई हुई है, गाड़ी लेकर आ रहा है कोई सामने से मिलिट्री वाला तो लग नहीं रहा, बट सीधे रोड पर चलते हैं। थोड़े से कंट्रोल वगैरह भी देख लेते हैं क्योंकि अभी नई नई गेम खेलनी स्टार्ट किया, तो कंट्रोल्स वगैरह कौन सा जल्दी से याद होते हैं। तो यार जो भी चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर फुल स्क्रीन पर जाकर आराम से वीडियो वगैरह देखो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे कोई वीडियो आए आप लोगों को तभी नोटिफिकेशन आ जाए। यार ग्राफिक्स तो बहुत बढ़िया है, जैसे अभी रात में ना वो प्रॉपर देख रहा है, जैसे अभी कि लाइट्स कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, अगर गाड़ी निकलती है पास में से तो थोड़ी लाइट ज़्यादा बढ़ती है, ये सब कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में। ये कौन हेल्प वगैरह मांग रहा है भाई, है नहीं तुम्हारे पास टाइम अभी इतना एक्सप्लोर करने का गेम को, सीधे मिशन वगैरह करेंगे। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ हमें मार्क दिख रहा है जूलियो का। तो यार अगर आप किसी और गेम की वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और हम वो गेम भी खेल सकते हैं, बट शर्त सिर्फ एक है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा राइट हो गया यार, ये ना जैसे है तो FPP की गेम, घोड़े पर बैठे हुए हैं, मुझे तो ये थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगी रेड डेड रिडेम्पशन से। आप अपने रिव्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं कमेंट में कि आपको किसकी गेम प्ले ज़्यादा बढ़िया लगा, बट रेड डेड रिडेम्पशन में ग्राफिक्स में भी इससे थोड़े से बढ़िया होंगे, बट भाई ये भी कम नहीं है। तो यहाँ Well, पर जूलियो से मिलते हैं और इससे पूछते हैं कि हम क्या your करने वाले हैं man क्या नहीं will करने वाले हैं। deliver it और now. देखा ये घोड़ा Hope गिरा I'll let गया, you हमें know better. Listen, इसे बात करते हैं। I'm not going to bullshit you. Using the right ओके, तो protective भाई gear in the right इसके साथ situation बात हो will चुकी keep है you और इसने हमें alive. कोई गेयर Yeah, वगैरह दी है क्योंकि right वे tool बोल for रहे the हैं कि जो right वो job. स्प्रे करते हैं Very रेड not कलर का alive कोई idea. केमिकल वगैरह स्प्रे करते हैं और जो वो केमिकल है उसकी वजह से Listen, Julio. इंसान पहले पागल होना Rita शुरू was होता है, like a उसको sister इरिटेशन to होती है और me. उसके बाद मर She should जाता है, have तो been on इसने the हमें top मास्क of both. वगैरह She पहनने died के लिए दे because दिया of है। you. तो No, अभी चलते हैं और ये I'm बोल going रहा है past you. कि Kill Rita. जो If I could लीटा change थी anything, वो तुम्हारी it would वजह be से me मरी dying on है that क्योंकि beach. तुम उसको उसकी Rita बोट was पर a लगे better गए हो। तो हम person इसको than I बता could रहे हैं कि ever हम be. तो And if उसको she loved बचाने की you, कोशिश कर रहे थे, हमें well, थोड़ी मालूम था कि वहाँ that पर just says a प्रेसिडेंट lot आ about जाएगा who और you are. वो Enough. वहाँ पर Look, मार देगा, तो बट अभी you क्या know कर we're सकते हैं, gonna जो do होना था वो this. तो हो गया। You need to know. अभी जो You हमारा mean that मेन ship मिशन they है इसमें spray on यही है कि release? हम Its इसका real name is पीछा PG-240, करें but we और call ये it हमें the उस poison फार्म के पास because it लेकर fucks up जाएगा your और उसका system. नाम PG240 Try है, not to बट breathe जो it, लोकल्स tear है down उसको your skin. पॉइजन It'll कहकर make you go बुलाते हैं। fucking crazy.
जो वो केमिकल है वो रेड कलर का जो छिड़कता है, और इसने बोला कि उससे बच कर रहना क्योंकि अगर वो तुम पर आ गया तो तुम उसके साथ मर जाओगे, अगर तुम उससे नहीं मरी तो तुम्हारे अंदर बॉडी में कैंसर हो जाएगा और उससे तुम मर जाओगे, तो मेन हमें उससे बच कर रहना पड़ेगा। बट वहाँ पर जाने से पहले हमें पहले एक बार पूरी फील्ड का मुआयना वगैरह करना पड़ेगा, कितने गार्ड्स हैं, क्या हिसाब किताब है। वो तो बात ऑब्वियस ही, अगर हम फील्ड में आग लगाएंगे, इनकी क्रॉप्स जलाएंगे तो आर्मी को तो मालूम पड़ेगा ही और वो हम पर अटैक करेंगे। बट उससे पहले इस वॉच टावर के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि कितने सोल्जर्स वगैरह हैं वहाँ पर, कितने नहीं। और यार एफपीवी में तो लैडर चढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद लैडर चढ़ रहे हो। इसको थोड़ा आगे जाने देते हैं, ऐसा लग रहा है कि जूता इसका हमारे ऊपर लग रहा है। तो इसमें क्या है पता नहीं, इसमें क्या था, एक स्प्रे कैन है। तो अभी जल्दी से एक तो हमें दिख गया और उसके ये बोल रहा है कि पॉइजन एंड फायर मेक अ हेल ऑफ अ मिक्स। ओके, तो ये बोल रहा है कि उसके टैंक मैं एक आधी गोली मार देना क्योंकि जब वो स्प्रेड होगा उसके बाद जब तुम आग लगाओगे तो वो और ज्यादा फैलेगी। तो ठीक है, हमारे पास फ्लेम थ्रोअर तो है जो हमें वो बुड्ढे अंकल ने दिया था, तो अभी सारा कुछ करेंगे। बट उससे पहले, वहां पर जाने से पहले, ये कोई रिचुअल वगैरह है तो ये वो बोलेगा, वो सुनते हैं और उसके बाद जाते हैं। और मैं उस चीज को कट करने वाला हूँ कॉपीराइट की वजह से। ओके, तो जिप लाइन से हम अभी चलते हैं। और इसने हाथ में, मैं वही बोलने वाला था कि पिस्टल क्यों पकड़ लिया, हमने तो फ्लेम थ्रोअर पकड़ाया था। तो अभी आगे चलते हैं, ये भी हमारे साथ ही होगा तो ये हमारी सोल्जर्स को मारने की के लिए हेल्प करेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। अभी यार मुझे कोई सोल्जर वगैरह दिख तो नहीं रहा, जो इस साइड पर था वो भी नहीं दिख रहा मेरा था कि उसको मैं स्टेल्थ के साथ मारूं, बट वो भी दिख ही नहीं रहा तो क्या कर सकते। ये क्या बोल रहा है, कोई दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा। ऐसा करते हैं कि क्रॉप्स को चलाना शुरू करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो आग तो हमने लगा दी है इस पर और आ रहे हैं वो आर्मी वाले, आने लग गए हैं। अबे इसमें क्या है, गैसोलीन चार, वो किस काम की आएंगे। ओके, तो चलाओ भाई आग लगा देंगे आग आज। जैसे आप बताना कि बॉलीवुड में ऐसे कौन बोलता है आग लगा दी। तो बस वही आग लगा रहे हैं। और जो ये आग है इसको मेजर फायर बोलते हैं, ये नहीं बुझने वाली। और यार वो तो मर गई, बट हम पे पर गोलियां चला रहा है, कोई चला कहाँ से रहा है। अब बच गए, किसी ने बम फेंका था, ये रहा, इसको मारते हैं, मर जा। ओके, ये तो मर गया, बट हमारे सिलेंसर में आग लगी है, इसको ठंडा होना पड़ेगा। बट कोई फ़ायदा नहीं है सिलेंसर का अभी, तो इसको मालूम है कि हम इनको मारने आए हुए हैं। भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो ये सुप्रीम है ना, ये मारता है भाई एक बार में बंदे। और वो लाल सा हो तो गया है, बट कोई बंदा तो नहीं आ रहा, दिख तो रहा है कोई आता हुआ बट है कहाँ पर मुझे, एक तो क्रॉप्स के बीच में नहीं दिखता। गोलियां तो चला रहे हैं और थोड़ी सी पावर आएगी उसके, थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि इसमें ना हेल्थ भी लिमिटेड होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बार बार हम अपने आप को हील कर सकें, जो कि मुझे गेम की बात बढ़िया लगी भाई, क्योंकि अगर हमारे पास अनलिमिटेड हील होगी तो फिर गेम खेलने का फ़ायदा क्या है। इसमें कुछ टाइम के बाद हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार हील कर सके, अगर ऐसा हो तो फिर तो हम भाई इनके सामने अगर बार बार मर सकते हैं। और किसी ने माइन फेंकी है साइड पर, कोई मोटार चला रहा है हम पर। ओके, लगाओ भाई आग, लगा देंगे पूरी आज, सारी क्रॉप्स जला देंगे इनकी, इनके लिए तो ना रात में दिन कर देंगे हम। अबे क्या यार, मुझे लगा कि मुझे भी आग लगी, जो इसने हमें प्रोटेक्टिव गेयर दिया ना उससे हमें आग से भी फायदा हो रहा है, हमें आग नहीं लग रही। और हमारा सुप्रीमो भी रेडी हो चुका है। और यार मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास लास्ट टैंक ही था, नहीं है हमारे पास एक और टैंक है, ये लास्ट टैंक है अभी, थोड़ी हिसाब से आग वगैरह लगानी पड़ेगी। और यार जो ये पीछे म्यूजिक चल रहा ना, कहीं इसकी वजह से कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, अगर कॉपीराइट वगैरह आता हुआ तो फिर मुझे नेक्स्ट वीडियोस में बैक म्यूजिक बंद करना पड़ेगा। ओके, तो भाई और बंदे आ रहे हैं। अबे यार ये पिस्टल से कैसे मरेंगे, थोड़ा पीछे भागना पड़ेगा। अबे ये फ्लेम थ्रोअर खत्म हो गया, सुप्रीमो चलाते हैं भाई, देखो सुप्रीमो की पावर देखो, एक बार में ही मर गए सारे। और सामने लगता है कोई एक आधा बंदा रह गया है जो बचकर भागना चाहता है,
अभी ये तो खत्म हो गया फ्लेम थ्रोअर। कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी गन्स लिख ली। अगर हम ये गन्स भी वहाँ पर बेस पर छोड़ आते तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो यार मैं मोलोटोव भी ओके समझ गया कैसे फेंकनी है। तो इससे भी आग लगाएंगे, एक यहाँ पर फेंक दी है, आग लगती रहेगी। क्या मैं जो इनके बीच में टैंक बीच में अगर फ्यूल है उसको आग लगाऊँ तो, पर एक पहले यहाँ पर फेंक देता हूँ, इसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हम उसको आग लगा पाएंगे। बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि बैकअप आ चुका है। ओके ओके, तो इसमें मेडिसिन इसके पास तो जाना ही नहीं भाई, ये पेस्टिसाइड है गंदे। ये ले ओके। तो ये भी मन में दिन लकली है, मरा नहीं, मुझे सोचा कि पर मुड़ जाएगा ये, बट अभी तक तो जिंदा ही है। इसके बीच में ये यार ये गैसोलिन का करेंगे क्या, मैं भी आगे जाकर काम आए। तो ये मोटार है, मोटार का एक आधा गोला फेंक कर देखते हैं अगर इससे क्रॉप्स को आग लगती हो तो। इनका तो है, अबे यार ये कौन है? ओके तो यार इनका कोई बैकअप वगैरह भी आ चुका है, यहाँ से भागना होगा। उसने ऊपर ना हमारे वही फेंक दी और रीएनफोर्समेंट भी आ गया, तो अभी तो गोलियाँ चलानी पड़ गई है, इसको मारना पड़ेगा जो ये केमिकल फेंक रहा है ना इसको। ओके ये मरा भी है कि नहीं मरा? मर गया मर गया। उसको ये ले ओके, ये बच रहा है, इसको तो जाकर मार देंगे, ये तो एक अकेला ही है। और हमारे लेफ्ट साइड से भी बंदे आ रहे हैं, इससे पहले कि वो हमारे पास आए पहले जाकर इसको मारते हैं। भाई बहुत ज़्यादा बंदे हैं, और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, सारी दिशाओं से आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें होगा कि यार एक साइड से बंदे आना तो लगातार मार सकते हैं, टूट टूट कर मारने पड़ रहे हैं। ओके ये तो मर गया, ये लिए रह गए, मेडिसन खा लेते हैं हील करने के लिए अपने आप को। अबे ये फिर से बच गया भाई, बहुत गोलियाँ लग रही हैं। देखो भाग कैसे रहा, गोलियों से बचने के लिए ना आगे पीछे भाग रहा है। तो कितने परसेंट हो गई हैं अभी? मेरे ख्याल से थोड़ा सा और रहता है, एक मोलोटोव और फिलिप फेंकेंगे तो हमारा काम डन हो ही जाएगा। ये एक सोल्जर को तो आग लग चुकी है, कोई है बंदा इधर इस साइड पे? ओके भाई इन पर तो ये चलेंगी भाई पिट्ठू मिसाइल। ओके तो ऑलमोस्ट हमने क्रॉप्स वगैरह सारी डिस्ट्रॉय करते हैं, और जल्दी से यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि और इनका बैकअप आए, क्योंकि अगर और बैकअप आया तो फिर उससे तो हम मर जाए यार। इतनी ज़्यादा मिलिट्री से अकेले लड़ना तो मुश्किल है, इसलिए भी यहाँ से भागते हैं। और जूलियो भी यहाँ से जा चुका है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमने आग लगा दी है ना तो फॉर श्योर आर्मी वालों का ध्यान तो गया होगा, और हम अपना बैकअप इधर भेज रहे होंगे देखने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। बट यार मज़ा आ गया भाई, उनका पूरा ना एक तरह से हमने बेस खराब कर दिया भाई। उसको भी घाटा होगा ना, उसको मालूम पड़ेगा कि उसने बोट में जिनको मारा था उनमें से कोई एक जिंदा बच गया और वो अभी उसी के पीछे। तो ठीक है गाइस, ये मिशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।